सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ माय चैनल स्मार्ट वॉच क्लब। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में देखेंगे इस फेक वाले DZ09 स्मार्ट वॉच में कुछ सीक्रेट कोड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के यहाँ पर करना क्या है, सिंपल अपने फ़ोन डायलर में यहाँ पर चले जाना है। फ़ोन डायलर में जाने के बाद एंड यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टाइप करना है, जिससे हम लोग यहाँ पर IMEI नंबर को देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पर फेक वाले में यहाँ पर टाइप करना है, क्या होगा, *#06#। आप लोग इस कोड को यहाँ पर ध्यान से देखो, इस टाइप के यहाँ पर कोड है *#06#। आप लोग को यही कोड यहाँ पर जो यहाँ पर टाइप करना है एंड देन आप लोग का यहाँ पर IMEI नंबर दिख जाएगा। यहाँ तो ये IMEI नंबर दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर बैक में भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ पर देख लो, स्मार्ट वॉच के पीछे में भी यहाँ पर नंबर लिखा रहता है, जो कि यही IMEI नंबर रहता है। आप लोग यहाँ पर देखो, मैं आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर 3525580073 इस टाइप में लिखा रहता है। और क्या यहाँ पर भी वही 3558071 यहाँ अलग आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आप ये अलग यहाँ पर सेम रहना चाहिए। तो पर यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, AI टाइप में आप लोग को IMEI नंबर देखने को मिल जाएगा। चलिए इसे हम लोग बैक करते हैं और हम लोग चलते हैं दूसरे कोड्स के बारे में। दूसरे सीक्रेट कोड हम लोग का ये है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे वर्जन पता कर सकते हो और बहुत कुछ अपने स्मार्ट वॉच यहाँ पे पता कर सकते हो। इस कोड को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, *#8377575# आप लोग यहाँ पे प्रेस कर देना। इससे आप लोग अपने सॉफ्टवेयर यहाँ पे पता कर सकते हो। कोड आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कोड ये है *#83775 यहाँ पे हैश प्रेस कर देना। जैसे आप लोग हैश प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा वर्जन इन्फॉर्मेशन एंड देन आप लोग को यहाँ से स्वाइप नहीं होता है, इधर से आप लोग को यहाँ पर नीचे करना होगा, तो आप लोग यहाँ पर नीचे होगा आप एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बोल्ड नेम, बोल्ड वर्जन एंड रिलीज डेट आप लोग को इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो है वर्जन इन्फॉर्मेशन का, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया इस टाइप का। तो यहाँ पर था वर्जन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बोल्ड टाइम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बोल्ड टाइम आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ। चलिए हम लोग यहाँ पे बैक करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड कोड नंबर पर। हम लोग का यहाँ पर थर्ड सीक्रेट कोड्स ये है स्मार्ट वॉच फेक वाले का, जिससे आप लोग यहाँ पर अपने स्मार्ट वॉच में सब चीज़ यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। वो कोड इस प्रकार है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर टैप करना है *#66# एंड यहाँ पर हैश प्रेस कर देना है। कोड देख लो आप लोग यहाँ पर *#66#, इसे आप लोग यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग का यहाँ पर वर्जन के ऊपर क्लिक करना। वर्जन के ऊपर आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो वर्जन इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं समरी आप लोग के यहाँ पर देखने को मिले। इसके ऊपर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैंने आप लोग का अभी पिछले यहाँ पर दिखाया था कोड में, तो इस टाइप का आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा वर्जन इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर वर्जन में आप लोग को यहाँ पर इस टाइप का देखने को मिलेगा एंड हार्डवेयर मॉड्यूल में आप लोग को यहाँ पर दिख सकते हो, हार्डवेयर का मॉड्यूल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड बोल्ड नंबर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कभी स्मार्ट वॉच यहाँ पर बना था, यहाँ पर देख सकते हो ट्यूजडे आप लोग को इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम लोग यहाँ पर हटाते हैं। इको लूप में अगर जाओगे तो यहाँ पर स्पीकर जो आप यहाँ पर साउंड करने लगेगा। चलिए इसे हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। कीपैड में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर कीपैड टैप पर आप लोग को दिखेगा, चलिए इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना है। वाइब्रेटर ये है कि आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन चेक कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, इस टाइप का वाइब्रेट है। लाउड स्पीकर में तो आप लोग यहाँ पर म्यूजिक बजेगा, रिंगटोन भी वही है। LCD में अगर जाओगे तो यहाँ पर ऑटो डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक से जो यहाँ पर चेंज होने लगेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जितना कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज होने के बाद आप लोग को यहाँ पे पास या फेल हो तो ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग ऑटो डिस्प्ले नहीं चाहते, अपने से अगर टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर आप लोग को इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर होम बटन के ऊपर, फिर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। व्हाइट आना है तो इस बटन के ऊपर फिर क्लिक करना है, चेंज करना था फिर क्लिक करना होगा इसके ऊपर। यह था LCD का एंड रिसीवर में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर जो है आवाज़ ये यहाँ पे करने लगेगा, जो कि रिसीवर था उसी टाइप में आवाज़ है। ADC के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर चार्जर का यहाँ पर वोल्ट दिखेगा एंड बैटरी वोल्ट भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए हम चार्जर के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसी टाइप का कितना एम्पीयर आप लोग यहाँ पर बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रहा है वो आप लोग का यहाँ पर दिखाएगा। RTC यहाँ पर देख सकते हो, RTC के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ऑटोमेटिक से जहाँ पर स्मार्ट वॉच ऑफ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर फ्लिप ऑन करना होगा स्मार्ट वॉच को, तो हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं स्मार्ट वॉच को पहले। तो RTC में जाओगे तो आप लोग का स्मार्ट वॉच ऑफ हो जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पर ऑन किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर दिखेगा कैमरा का, कैमरा यहाँ पर टेस्ट होगा, यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा कैमरा यहाँ पर टेस्ट होगा। चलिए हम लोग बैक आ जाते हैं, फिर से यहाँ पर कोड हम लोग इसमें लिखते हैं *#66#, चलिए ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वैप करते हैं।
ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे स्वैप करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे पैरेलल लाइन का एक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक, पैरेलल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, यानी कि इसके इक्वल टू हम लोग यहाँ पर इसमें यहाँ से लेकर लाइन इसमें यहाँ पर मैच करना होगा। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन लेते हैं तो हम लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना होगा तो यहाँ पर होगा, देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन डन हो गया। एक इधर से आएगा, हम लोग को यहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करके इसमें लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे एरर आ गया, जब तक आप लोग को इसमें मैच नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर डन हो गया, ये पैरेलल लाइन था। एंड यहाँ पर आप लोग को दिखेगा एक्सटर्नल कार्ड, एक्सटर्नल कार्ड ये लास्ट है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेट होगा, MMC कार्ड यानी कि इस स्मार्ट वॉच मेमोरी कार्ड यहाँ पर इंसर्ट है। हम लोग यहाँ पर बैक आ जाते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बैक आ जाते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज का इस फेक वाली स्मार्ट वॉच DZ09 का कुछ सीक्रेट कोड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू विद फ्रेंड्स।